गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हम लोग हैं एयरपोर्ट में और टर्मिनल 2 में हमारा फ्लाइट है और 8:45 में। गेट नंबर अभी तक पता नहीं टिकट में और वो बैग के अंदर है। तो बाय द वे इस बार कोलकाता जाने का जो स्पेशलिटी है वो मैं आपको बता दूँ, इस बार कोलकाता हम सिर्फ 3 दिन ही जा रहे हैं, हमारे साथ कोई और भी है और वो है हमारा गोपू शर्मा, क्योंकि दादा भाई के थ्रेड सेरेमनी में गोपू का तो जाना बनता है ना, तो इसलिए गोपू है हमारे साथ। थैंक यू। बहुत ज़्यादा मतलब प्यास लग रहा है तो गोपू है हमारे साथ, वो अपने बेड में आराम से सोया हुआ है, उसे मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और इस बार दादा भाई के थ्रेड सेरेमनी के लिए गोपू ने भी एक नया ड्रेस लिया है, जो कि थ्रेड सेरेमनी के दिन वो पहन के बिल्कुल दादा भाई के सामने बैठा रहेगा। तो इसलिए गोपू जा रहा है, वहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली ये वीडियो मुझे मेरा बहुत मन था कि मैं सुबह से शुरू करूं या तो पैकिंग से शुरू करूं, पर थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी कि गोपू को किस तरह से लेके जाओ, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, मुझे भी सीखना पड़ेगा। तो मैंने मेरे फ्रेंड को फ़ोन लगाया, क्योंकि उसकी सासू माँ जब आती है ना तो बैंगलोर में, तो गोपू को साथ लेके आती हूँ, उनके गोपू को तो किस तरह से लेके आती है, वो सारी चीज़ें सुना। उसके बाद उस हिसाब से मैंने वो सारे बंदोबस्त किए, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ पे आने के बाद अभी एक कैफ़े में हम लोग आए, तो थोड़ा जूस पी रहे हैं और गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आज की ये स्पेशल जर्नी अगर आपके साथ शेयर नहीं किया ना तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत एक बड़ा चीज़ आप लोग भी मिस करेंगे, मैं भी मिस करूँगी। तो ये है मेरा ड्रिंक, वो है आर्यन का मिथुन ले रहा है कॉफ़ी और इसे मैं कैरी करूँगी, तो इसलिए लिया है इन्फ्यूज्ड रसबेरी मिंट टी। यहाँ पे एक्चुअली इनके वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, वो देखिए वो सारे। उसके बाद आर्यन को बोला आर्यन तुझे क्या चाहिए, तो जो भी पीना है हम दोनों को एक साथ पीना है, क्योंकि एक बॉटल पूरा मैं नहीं पीऊँगी, तू भी पिएगा, तो जो एक फ्लेवर दोनों को पसंद आएगा वो ही ले लेते हैं। तो आर्यन को ये पसंद आया है, दुख पहुंचा, तो चलो चीयर्स। तो हम लोग फ्लाइट में बैठ गए हैं और आर्यन यहाँ पे अपना कुछ फेवरेट कार का मॉडल दिखा रहा है, उसे कार में इतना इंटरेस्ट है पता नहीं क्यों, बाय द वे कुछ समझ में आया या ना आया वो जो दिखा रहा है वो मैं ध्यान से देख रही हूँ। ये है हमारा फूड, तो मैंने फ्रूट सैलड लिया है और मिथुन और आर्यन दोनों सैंडविच लिया है। और मिथुन पहले से ही 2 मूवी डाउनलोड करके लेके आया है, तो वही एक साउथ इंडियन मूवी हम देख रहे हैं, तो मूवी बहुत ही अच्छा हो रहा है और ईयरफोन के साथ काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड हो रहा है हमारा। तो ये है हमारा गोपू बाबू, जो कि मामा के घर आया है और पहली बार आया है और यहाँ पे अच्छे से बैठा है एकदम शांत बच्चे की तरह, क्योंकि दादा भाई का पोईता भी अटेंड करना है। गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे और हम लोग पहुंच चुके हैं और कल कोलकाता पहुंचते ही बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था और बारिश के कारण मैंने और मोबाइल नहीं निकाली और साथ में था गोपाल, तो यहाँ पे अभी चाय का पूरा इंतजाम हो चुका है, मतलब यहाँ का चाय मतलब अमेजिंग है, बेकरी बिस्किट्स के साथ और साथ ही साथ में ये है नाश्ते का तैयारी। तो मैं जो साड़ी लाई थी वो फर्स्ट वीको के लिए, मैं एक्चुअली आज लेट उठी क्योंकि कल 12:30 बजे हम लोग पहुंचे, क्योंकि कोलकाता पहुंचने के बाद हमें और कोई कैब नहीं मिल रहा था, एक भी कैब नहीं मिल रहा था, 1.5 घंटे बाद जाके कैब मिला और फिर आके पहुंचे, बहुत लेट हो गया था। तो सुबह सुबह मैं थोड़ा लेट उठी, मासी जाके मेरे तीनों साड़ी को फर्स्ट वीको के लिए भेज दिया और आज संडे है इसलिए आज शायद गोरियाहाट बंद रहेगा, तो हम मंगलवार को जाएंगे क्योंकि सोमवार भी मिथुन का ऑनलाइन ऑफिस है। तो उस दिन कुर्ता पाजामा मिथुन और आर्यन के लिए, देन मैं भी शायद और एक साड़ी ले सकती हूँ, मैंने मना किया था कि मैं साड़ी नहीं चाहिए, मासी और मिथुन दोनों ही बोल रहे हैं, मिथुन तब भी थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम था मेरे साड़ी से, मासी भी बोल रहे हैं तू इतना अच्छा गहना लिया है और उसके साथ ये साड़ी पहने की, साड़ी में भी अभी खर्च करना है, साड़ी तो मैं इतना ज्यादा पहनती भी नहीं हूँ, तो बोल रहे कि चल जाके ठीक ठाक प्राइस का, अब मुझे नहीं करना वो अलग बात है, पर मुझे तो समझना चाहिए ना, क्योंकि मैं भी घर की ओके। तो अभी हम ट्यूजडे को जाएंगे गोरियाहाट, वहां से इनका वो कुर्ता पजामा वो सब भी लेना है और क्या लेना था, और एक चीज लेना था,
और उसके और हाँ दक्षिण अपन में जाना है, वहां से रेडीमेड कुछ ब्लाउजेस मैं खरीद के ले जाऊंगी क्योंकि हर वक्त ना ब्लाउज बनवाना पॉसिबल नहीं होता है, एक तो टाइम टेकिंग होता है, दूसरी बात ये कि वहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा होता है, तो कुछ एक सिल्वर एक गोल्डन ब्लाउज अगर ले जाऊंगी ना तो इस सब साड़ी साड़ी के साथ पहन पाऊंगी और एक साड़ी भी ले लूंगी। तो आर्यन का शादी का कार्ड शादी का बिना दुल्हन के शादी आर्यन के फोटो के साथ मेन्यू कार्ड आर्यन का थ्रेड सेरेमनी है, आर्यन के मम्मी पापा आराम से घूम रहे हैं फिर रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं, पर सारा काम मासी मौसा जी मेरे मामा मामिया संभाल रहे हैं। गोल्ड का किस्मत बहुत अच्छा चल रहा है मेरा अभी तो मेरे पास एक्चुअली पर्ल का पहले भी था एक रिंग, पर पर्ल भी खराब हो गया था, बहुत पुराना था, शादी तब मैं कॉलेज में थी उस टाइम का, तो वो तुड़वा के और उसके साथ और भी सोना ऐड करके एंड देन और एक और ये दोनों पर्ल ही नया है, तो ये डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया, मैंने गूगल से उठा के मैंने दिया था और मासी जिन ज्वेलरी शॉप से बनवाते हैं ना पूरे साल भर तो उनसे मैंने बनवाई है ये रिंग, बहुत सुंदर डिजाइन है, हाथ में भी अच्छा लग रहा है ना। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये है मेरे नानी माँ का इयररिंग जो कि इस बार मुझे मिला है, क्योंकि जितने भी उनके पोते पोतियाँ और मामियों को सारे चीजें दिया गया पर भाइयों का जो वाइफ है उनको मिला है, भाई को कुछ नहीं मिला, मैंने राज नेदू सबके वाइफ के लिए रखा गया है और हम सारे बहनों को छोटे छोटे उनके जो भी है उनके पास वो सारे चीजें एक एक उनके आशीर्वाद के तौर पर दिया गया। तो ये जो इयररिंग है ये मेरे नानी माँ पूरे साल पहने रहते थे, मैं वही से सारी चीज़ें मांगी है कि जो सारी चीज़ों के साथ मेरे नानी माँ का सबसे ज़्यादा अटैचमेंट था, सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने यूज़ किया है, वो पान का वो याद है आपको वो पान और देन बिटल नट वो कट करने का वो जो चीज़ था ना, तो वो चीज़ मैं बचपन से जब से मैंने होश संभाली है तब से मैं देख रही हूँ कि वो मेरे नानी माँ यूज़ कर रहे हैं और ये हमेशा उनके कान में रहता था, ये उनको बहुत पसंद था, छोटा सा भी था तो कान में इतना प्रॉब्लम ही नहीं होता, तो इसलिए ये हमेशा ये पहने रहते थे मेरी नानी माँ, तो आज ये लेके जा रही हूँ उनका आशीर्वाद। तो गोल्ड का एक वो सीजन चल रहा है मेरा सिर्फ गोल्ड, मतलब इतने साल में कुछ नहीं मिला तो इस साल अगर मिल रहा है तो सारी चीजें मिल रहा है। एक्चुअली गिफ्ट का सीजन मेरा चल रहा है, मैं तो जयपुर गया था तो जयपुर से मेरे लिए एक और बोन के मतलब मामपी के तानिया के लिए एक दोनों के लिए दो पार्सल आए हैं और ये है आर्यन के लिए, शांति निकेतन गई थी मेरे मासी तो ये आर्यन के लिए लेके आए, पेन रखने के लिए पेन पेंसिल रखने के लिए अच्छी चीज, और रविन्द्रनाथ टैगोर का फोटो भी है तो अच्छा है, और मेरे मासी पूरी भी गए थे तो पूरी से मेरे लिए ये हांडी लेके आए जो कि मैं पूजा के लिए यूज करने वाली हूँ और गणेश चतुर्थी भी आने वाला है सामने तो भोग के लिए बहुत काम आएगा, और ये एक चीज ये क्या है पता नहीं पर ऐसे ही कुछ चीज में यूज कर लेंगे, ऐसे उठा सकते हो ना चावल उठा सकते हो, चावल उठाने के लिए हाँ। अच्छा उसमें पूरी लिखा है, देखो कहाँ पे पूरी लिखा है, तुम जहाँ पे पकड़ी हो इसमें हंडी में नहीं चावल उठाने वाला में कटोरी में कटोरी में जहाँ पे पकड़ी हो हाँ यहाँ पे पूरी लिखा है। तो ये मेरा गिफ्ट का सीजन चल रहा है, इसमें बहुत अच्छा है, कुछ महीनों में बहुत सारी चीजें मिल गया मुझे। आज का ब्रेकफास्ट रोटी एंड चना का दाल बहुत ही टेस्टी डिलीशियस, पूरीर गजा पूरीर काकातुआर गजा मिथुन स्पेशल मिथुन स्पेशल हाँ इतने सारे लाए मासे वासे मिथुन को बहुत पसंद है। आर्यन का गिफ्ट मासी की तरफ से, हाँ साइज टा देखो ठीक है किना तो अभी हमारा लंच टाइम है और लंच में वही मासी के हाथ का लजीज खाना जो सिंपल सा खाना बनाती है पर इतना टेस्टी होता है, हमारे घर के सारे लोग बोलते हैं कि बिल्कुल मासी की तरह मेरे हाथ का स्वाद भी बिल्कुल मासी की तरह है और खाना बनाने का जो टेक्निक है वो भी लगभग मासी की तरह ही है क्योंकि बचपन से वही देखा है ना और वही खा के बड़ी हुई हूँ, और मेरे नानी माँ और भी कम ऑयल में खाना बनाती थी तो उतना कम ऑयल में एक्चुअली मैं खाना नहीं बना सकती। तो बाय द वे अभी कातला फिश जो कि मेरा फेवरेट कातला फिशेर झोल उसे एंजॉय कर रहे, उसके साथ कोचू बाटा
और आलू भाजा, ये सारी चीजें तो एकदम ऑथेंटिक फूड है। तो चलिए खाना को एंजॉय करते हुए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।